यानी खावंद की नाशुक्री करना। शरीर शरीक को भी कहते हैं। ये लफ्ज़ मुआशरे से माखूज़ है जिसके मानी मिला देने का है। इस बाब में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान की है। 5197 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस हदीस में हम सूरज ग्रहण के दौरान में जो नमाज़ पढ़ी जानी है उसका तरीक़ाकार और औरतों के बारे में जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ये नाशुक्री करती हैं ये पढ़ा जाएगा। और इसमें यह पढ़ा जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान नमाज जो है अल्लाह ताला ने उनको जन्नत के फल दिखा दिए, खुशे दिखा दिए, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोड़ने भी लगे लेकिन किसी वजह से किसी मसले के तौर पे उन्होंने वो जो है खुशे न तोड़े। 5197 इसको अभी हम हर्फ बाहर पढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में सूरज को ग्रहण लगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ नमाज ग्रहण पढ़ी। आपने सूरह बकरा पढ़ने की मकदार तवील क़याम किया, फिर लंबा रुकू किया, रुकू से सर उठाकर फिर लंबा क़याम फरमाया। ये क़याम पहले क़याम से कुछ मुख्तसर था, फिर आपने दूसरा तवील रुकू किया, फिर रुकू से जो पहले रुकू से कम था फिर सर उठाया, इसके बाद सजदा किया, खड़े हो गए, फिर तवील क़याम किया जो पहली रकत के क़याम से मुख्तसर था, फिर आप तवील रुकू किया फिर पहली रकत के रुकू से थोड़ा कम था, फिर अपना सर उठाया और तवील क़याम किया, फिर ये क़याम पहले क़याम से कम था, फिर रुकू किया, ये रुकू पहले रुकू से कुछ तवील था, फिर सर उठाया, सजदे में चले गए। जब आप नमाज से फारग हुए तो सूरज रोशन हो चुका था। इसके बाद आपने फरमाया सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं, इन्हें किसी की मौत व हयात की वजह से ग्रहण नहीं लगता, इसलिए जब तुम ग्रहण देखो तो अल्लाह को याद करो। हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, हमने आपको देखा कि आप अपनी जगह खड़े खड़े कुछ चीज़ पकड़ रहे थे, फिर हमने आपको देखा कि आप पीछे हट रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जन्नत देखी या मुझे दिखाई गई तो मैंने इसका खोशा तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अगर मैं इसे तोड़ लेता तो तुम रहती दुनिया तक इसे खाते रहते और मैंने दोजख को भी देखा, मैंने आज जैसा कभी मंजर नहीं देखा, मैंने मुशाहिदा किया कि दोजख में अक्सरियत औरतों की थी। लोगों ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? आपने फरमाया इनके कुफर की वजह से कहा गया वो अल्लाह के साथ कुफर करती हैं। फरमाया नहीं बल्कि वो अपने शोर की नशुक्री करती हैं।